हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टेक बजट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A17 जो हमारे सामने ही रखा हुआ है, इस मोबाइल को हार्ड रिसेट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है जो हमें पता नहीं है। और अगर आप भी भूल जाते हैं कभी पैटर्न लॉक और उस मोबाइल को हार्ड रिसेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप मॉडल यहाँ पे देख लीजिए, CPH2477 गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ओप्पो A17 मॉडल है इसका मॉडल नेम। तो इसको हार्ड रिसेट कैसे करेंगे, देखिए अभी ऐसा अगर हम पावर बटन को होल्ड करके रखते हैं तो भी स्विच ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता है इस मॉडल में। तो इसका एक दूसरा ट्रिक्स है इसको मतलब स्विच ऑफ करने का। तो हम देखेंगे ऐसे पावर बटन को और वॉल्यूम अप को आप एक साथ में होल्ड कीजिएगा तो आपके सामने ये पावर ऑफ का और इसे रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम पावर ऑफ कर लेते हैं। अगर आप करते हैं रिसेट तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मोबाइल में जो भी डेटा था वो डेटा आप बैकअप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको लॉक भूल गए हैं तो उसके अंदर जो भी डेटा है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। और मेरा एक सजेशन है कि आप किसी भी मोबाइल में जो ईमेल ऐड करते हैं वो ईमेल को हमेशा आप बैकअप में कहीं पे लिख के रखिए या फिर याद कर लीजिए वो ईमेल और पासवर्ड। तो आप किसी भी फ़ोन में वो ईमेल डालेंगे तो आपका फ़ोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी होगा इंपॉर्टेंट डेटा आपको वो बैकअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इस मोबाइल को हार्ड रिसेट कैसे करें। तो यहाँ पे है पावर बटन, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन और यह है वॉल्यूम अप। तो एक साथ में हम लोग वॉल्यूम अप डाउन और पावर को एक ही साथ में होल्ड करेंगे। यहाँ पे ओप्पो का लोगो जब भी आए आप पावर बटन से हाथ हटा लीजिए और वॉल्यूम अप डाउन को होल्ड करके रखिए। जब तक कि यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन नहीं आता है तब तक आप होल्ड कीजिए। देखिए थोड़ा समय लेगा, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ऊपर चाइनीज लैंग्वेज है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमको वॉल्यूम डाउन से भी कर सकते हैं, आप स्क्रीन में टच करके भी देख सकते हैं। देखिए आप वॉल्यूम डाउन दबाएंगे, ऊपर दबाएंगे तो भी ये वर्क करता है। और यहाँ पे आप टैप भी कर सकते हैं, इंग्लिश कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट डेटा, रिबूट डिवाइस और पावर ऑफ। तो हमको करना है फॉर्मेट डेटा, मतलब इस फोन को हार्ड रिसेट करना है तो वहाँ पे लिखा है फॉर्मेट डेटा। तो हमको फॉर्मेट डेटा में मैं इस बार पावर बटन से क्लिक करता हूँ फॉर्मेट डेटा पे। देख लीजिए अभी देखिए 2462, ये कोई परमानेंट नंबर नहीं है। यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा कोड आ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2462 हमने कर दिया। आप यहाँ पे देख लीजिए, आ जाए फॉर्मेट डेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म है नहीं गए तो हम फॉर्मेट में क्लिक कर देंगे। अब ये पूरा डेटा क्लियर हो गया। अगर आपके पास जो डेटा फोन में है अगर आप करते हैं तो डेटा आपको बैकअप नहीं मिलने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल कहीं पे लिख के रख दीजिए तो और वो डेटा पूरे ईमेल में आप ट्रांसफ़र करके रख दें तो बाद में आप बैकअप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं, फ़ोन अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा तो वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे यहाँ से। तो फाइनली गाइस हमारा मोबाइल पूरा चालू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो का लोगो आ गया है और यहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद हमारा लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश होगा। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं, तो फिलहाल हम इंग्लिश पे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा देश, कौन सा देश है हमारा, तो हमारा देश है भाई इंडिया, इन भारतवासी है हम लोग। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इंडिया में, उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, ऑल परमिशन में आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई पूछ रहा है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप स्किप का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए स्किप। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैप प्रोटेक्ट योर फोन, प्लीज कनेक्ट योर वाईफाई। इस फोन में FRP लगा हुआ है तो यहाँ पे स्किप नहीं होगा। तो इस फोन में अभी FRP लगा हुआ है, तो अगर इसी वीडियो में हम दिखाएंगे FRP बाईपास कैसे करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए FRP बाईपास के ऊपर तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा इसी चैनल पे मेरा FRP बाईपास का वीडियो भी आ जाए, ओप्पो A17। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था कि ओप्पो A17 मोबाइल को हार्ड रिसेट कैसे करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।